ओके देखो मैंने शॉर्टकट बता दिया, वापिस एक बार मैं बता देता हूँ, तब तक बाकी के स्टूडेंट्स उसको अच्छे से रिवाइज करो या तो टेक्स्ट बुक में देखो, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तनिष्क का मैंने आपको क्या बताया था कि सारे स्टूडेंट्स को आपको एक्टिव रहना है, बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहना है। और एक्टिव रहना है इसका मतलब क्या है? ओके, एक्टिव रहना है मतलब अपना कैमरा ऑन करना है और एक अच्छे एंगल के अंदर ऐसा सेट करके रख देना है, ओके, जिसमें हम लोग को आजू बाजू का बैकग्राउंड कोई दिखना नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ आप दिखने चाहिए। दीवार को चिपक के बैठ जाओ ऐसे और फोन सामने रखो, ठीक है। सो वेलकम एवरीवन सर। यस सर, वो सेकंड वाला का सी साइलेंट है। निडेरिया, निडेरिया है। यस यस, वेलकम प्रतीक, सदिका, वैष्णवी, आर्यन, पूजा, खुशी, अक्षय, सानिका, रंजीत, वेलकम वैष्णवी, मारूफ, हेलो एवरीवन, वेलकम खुशी, वेलकम श्रुति, श्री, वेलकम जुगल पटेल, हाय स्नेहा, वेलकम स्नेहा, आपने 3 बजे ज्वाइन किया, 2 बजे ज्वाइन करना था आपको, सिमरन वेलकम, काजल वेलकम, दूसरी वाली काजल, खुशी, अमन, अमन तेरी स्टोरी मुझे वापस से बतानी पड़ेगी, अमन चलेगा क्या स्टोरी बताऊ? यस अमन बोल रहा है चलेगा। यस स्नेहा आई एम ऑडिबल, ओके। यस जुगल, यस जुगल आई एम ऑडिबल, ओके। यस मुझे सब लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। यस श्रुति का स्टोरी, अमन की स्टोरी और एक बार याद कर लेते हैं। सो अमन भाई बहुत ही शांत, सुशील और छोटे से बच्चे थे, बहुत ही छोटे थे स्कूल में। अचानक से उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि कॉलेज में जाने के बाद मैं कोई गर्लफ्रेंड को पटाऊंगा, लड़की को पटाऊंगा, इसका मतलब पूरी फिरवा, पूरी फिरवा। सो उसने सोचा पूरी फिरवा। सो उसके लाइफ में कौन आई? उसके लाइफ में एक सुंदर कन्या आई, उस सुंदर कन्या का नाम था सिंड्रेला, उसका नाम था सिंड्रेला। सो सिंड्रेला गई छतरी लेके, मैंने उसको पूछा क्या क्या लिया, तो वो मुझे बोली ऑरेलिया ऑरेलिया ऑरेलिया। सो ऑरेलिया इज अ एग्जाम्पल, ऑरेलिया इज अ एग्जाम्पल, तो अच्छे से याद रखो ऑरेलिया, ठीक है। सो ऑरेलिया हो गया, अभी वो उसको लेके गया होटल में खाना खाने के लिए, ओके। सो वो जिस होटल में गया था ना, उस होटल का ऐसा रूल था कि अंदर जाने के बाद इमीडिएटली हाथ में प्लेट मिलती थी, बुफे सिस्टम, ओके। सो अंदर गया, हाथ में प्लेट मिल गई। यस आयशा समझ में आ रहा है आपको? सो प्लेट मिल गई, उसने अपना हेलमेट निकाल के प्लेट के ऊपर रख दिया, पैर के अंदर लोग डूब जाते हैं, वो भी डूब चुका था, उसके लिए उसने क्या किया, हेलमेट प्लेट में रख दिया, प्लेटी हेलमेटस। क्या हुआ? प्लेटी हेलमेटस। एक छोटी लड़की थी, छोटी लड़की बोली पापा पापा आप कैसा मटके जैसे हेलमेट पहनते हो, अंकल ने देखो कितना अच्छा हेलमेट पहना है। यस सो छोटी लड़की देख के बोलती है पापा पापा असस हेलमेट पाहिजे मला। यस श्रेया 6 चैप्टर से स्टार्ट किया, सब बच्चे बोलते हैं 6 चैप्टर इज डिफिकल्ट चैप्टर, तो हम लोग डिफिकल्ट चीजों को इजी करेंगे, ठीक है। अरे सर वो क्या है, 6 तरह दिखने रहा। यस तो ये है असस हेलमेट पाई जयमला, ऐसा है अन्ना के बिल देता है, क्या देता है, अन्ना के बिल देता है, अन्ना ने बिल दिया, अन्ना ने बिल दिया, अक्षय, ओ अक्षय समझ रहे हैं कि नहीं, अन्ना ने बिल दिया, अन्ना ने बिल दिया, देखा तो बहुत ज्यादा बिल था रंजीत, बहुत ज्यादा बिल था, इतना बिल था ना उसको बहुत गुस्सा आया,
इतना गुस्सा आया रंजीत, उसने ये तोड़ा वो तोड़ा हर तरफ उड़ा, ये तोड़ा वो तोड़ा हर तरफ उड़ा। अभी उसने हर तरफ उड़ा उस ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है पता नहीं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई, उसको समझा रही थी भाई ये सब तोड़ मत, एक्स्ट्रा बिल में ऐड करेंगे। मैं एक दिन आई थी यहाँ पर, कुर्सी पे बैठी थी, कुर्सी टूट गई, उसका भी बिल मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। सो आके उसको समझा रही थी, वो ऐसी थी मऊ मऊ मोलुस्का। अब ये मऊ मऊ क्यों बोल रहा है, उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। मऊ मऊ सॉफ्ट सॉफ्ट स्लिमी स्लिमी, हर मोटी लड़की बोलती है आई एम वेरी स्लिम सॉफ्ट एंड स्लिमी। जो भी ऑर्गेनिज्म देखते हो आप लोग, उस ऑर्गेनिज्म को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये सॉफ्ट है, ये स्लिमी है, ये मऊ मऊ है, इसका मतलब है वो मोलुस्का है। सर क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। आपको पानी के अंदर कोई ऐसा ऑक्टोपस मिल गया, आप लोग ऑक्टोपस के साथ क्या कन्वर्सेशन करोगे? ऑक्टोपस को बोलोगे आधार कार्ड बताओ जरा, मैं देखता हूँ तेरा कौन सा क्लास है, कौन सा फाइलम है, तू मेरे लिए हार्मफुल है कि यूजफुल है, तेरा गांव कौन सा है, तू उधर से इधर क्यों आया? नहीं ना, तो हम लोग को पता चलना चाहिए सारी चीजों को। ओके मऊ मऊ मोलुस्का, उसकी करण गर्लफ्रेंड को क्या लगा? इची 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 नो डर मेटा। सो इसके जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बहुत ही इची इची होंगे। आई बात समझ में? उसके बाद वो क्या बोलता है, हा 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 मैं क्रोडेटा हूं, हा मैं क्रोडेटा हूं। ओके यस पूजा, समझ में आया पूजा? यस खुशी, दूसरी वाली खुशी एंड खुशी, खुशी वाली खुशी, खुशी का नाम मुझे खुशी का नाम हैप्पी रखना चाहिए, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है ना। ओके कौन कौन स्टूडेंट एब्सेंट है, जो लोग पेज नंबर के लिए एब्सेंट है, कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो लोग पेज नंबर के लिए एब्सेंट है, उनको रेज योर हैंड प्लीज। मैंने जब पेज नंबर सिखाया तभी कौन से स्टूडेंट एब्सेंट है, या तो लेट ज्वाइन किया आपने, रेज योर हैंड प्लीज। अरे बाप रे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, अभी मेरे बाकी के स्टूडेंट्स को तो एकदम रट्टा हो जाएगा मतलब। चलो 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 याद करते हैं ऑफिस से। अमन भाई पूरी फिरवा, पूरी फिरवा, पूरी फिरवा, स्नेहा पूरी फिरवा, जुगल पूरी फिरवा, पूरी फिरवा मतलब पूरी फेरा, याद रखो पूरी फेरा। सानिया टीचर ने पूछा तो पूरी फिरवा ना बोलाइए, पूरी फेरा बोलने का नहीं, तो टीचर बोली क्या रे किसने सिखाया तुम लोग को। सो पूरी फिरवा मतलब पूरी फेरा, पूरी फिरवा बोलने के बाद उसके लाइफ में कौन आई थी? सिंड्रेला मतलब निडेरिया, कौन आई थी? निडेरिया मतलब सिंड्रेला। ओके सिंड्रेला गई छतरी लेके, मैंने उसको पूछा क्या क्या लिया, उसने बोला ऑरेलिया ऑरेलिया ऑरेलिया, इसका एग्जांपल भी याद हो गया ऑरेलिया अम्ब्रेला शेप, ऑरेलिया अम्ब्रेला शेप। ओके आगे बढ़े आगे बढ़े, कहां पर गए थे? चलो आप लोग ही बताओ, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आप लोग ही बताओ कहां पर गए थे? यस होटल में गए थे खाना खाने, यस चैट बॉक्स में इतना सब कुछ लिखो मत चलेगा, आप लोग एक्सप्रेशन से बोल सकते हो। मैंने यहाँ पर मल्टीपल स्क्रीन चालू किया, मुझे सारे लोग नजर आ रहे हैं, मुझे सारी चीजें एकदम प्रॉपरली डिटेल में नजर आ रही है, बहुत बड़ी स्क्रीन है। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि पूजा बैठी है एकदम अटेंटिव है, सानिया बैठी है एकदम अटेंटिव है। ओके बरोबर ना सानिया, सानिया के पीछे कौन सा कैलेंडर लगा है, उसका टीवी कितने इंचेस का है, सब कुछ नजर आ रहा है। रंजीत के पीछे क्या है, रंजीत के पीछे व्हाइट शर्ट ढोके लगाया हुआ है। आर्यन के पीछे जाली है, जाली में कितने खड्डे, सब कुछ नजर आ रहा है मुझे। ओके पूजा के पीछे कितनी लादी है, उसका शेड क्या है, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, मुझे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ओके सो आपको अगर समझता है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, मैं आपको देख पा रहा हूं। ठीक है तन्वी, यस तन्वी ने ऐसा किया मतलब बात खत्म, आगे बढ़ते। वो होटल में गया, प्लेट के अंदर क्या रख दिया उसने? हेलमेट, इसका मतलब क्या है? प्लेटी हेलमेंटस, इसका मतलब क्या है? प्लेटी हेलमेंटस। छोटी लड़की देख के क्या बोली थी? असस हेलमेट पाहिजे मला,
मराठी तो आती रहेगी थोड़ी सी, असस हेलमेट पाहिजे मला, एस के हेलमेटस। खाना खाने के बाद क्या हुआ था? खाना खाने के बाद अन्ना ने बिल दिया था, अन्ना ने बिल दिया। ए टीचर को मत बोलो अन्ना ने बिल दिया, टीचर को बोलो एना लीडिया, टीचर को बोलो एना लीडिया। दिमाग के अंदर स्टोरी चलनी चाहिए। ओके सो एना लीडिया, एना लीडिया, अन्ना ने बिल दिया, बिल देखने के बाद बहुत ज्यादा था बिल, उसने क्या किया? ए तोड़ा, वो तोड़ा, आर तरफ ओढ़ा। यस आप लोग लिपसिंग कर सकते हो बच्चे लोग, मैं आपकी लिप्स को देख पा रहा हूँ, आप लोग क्या बोल रहे हो, क्या समझ रहे हो, कहां पर देख रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सदिका, सदिका समझ रहा है कि नहीं आपको? यस वेरी गुड। ओके सो अन्ना ने बिल दिया, बहुत गुस्सा आया, ए तोड़ा, वो तोड़ा, हर तरफ ओढ़ा। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, अभी शादी होने के बाद भी नहीं भूलोगे, वाइफ तोड़ेगी ये वो तोड़ेगी, हर तरफ ओढ़ा, हर तरफ ओढ़ा। मुझे लगा ही था, सर ने मुझे सिखाया था पहले से, हर तरफ ओढ़ा। ओके सो क्या होने वाला है इसके बाद, क्या होने वाला है? उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आई थी, तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी? यस यस सब लोग बोल रहे हैं, मऊ मऊ मोलुस्का, मऊ मऊ मोलुस्का। सो ये है मोलुस्का, ये है मऊ मऊ, ये है सॉफ्ट और ये है स्लीमी। अगर आप लोग स्नेल को देखते हो तो स्नेल को आप लोग क्या बोलोगे? मोलुस्का। आई बात समझ में? सॉफ्ट एंड स्लीमी। आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तो अभी आपको मजा आएगा। मऊ मऊ मोलुस्का के बाद क्या आता? इची इची। उसकी करंट गर्लफ्रेंड को क्या लगा? इची 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 नो डरमेटा। बॉयफ्रेंड इधर नाराज, इसको झेलू उसको झेलू कि अपनी ही देखू? हा मैं क्रोडेटा हूं, हा मैं क्रोडेटा हूं, हा मैं क्रोडेटा हूं, हा मैं क्रोडेटा हूं। पागल हो गया बेचारा। आप लोग ने क्या किया देखा आपने? आप लोग ने क्या क्या पढ़ा देखा आपने? वही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था आपको? टिल नाउ यू आर डूइंग सेम थिंग, यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट, फ्रॉम नाउ यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट रिजल्ट। सो हम लोग को यूनिक तरीके से करना था, और मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन भी दिया था, और मैंने दो लोगों को देखा था, पर हम लोग ने तो रिसर्च एक ही लोगों पर किया, और एक लोगों पर रिसर्च करते, थोड़े नए स्टूडेंट्स भी आए यहाँ पर। सो कोई एक नए स्टूडेंट को हम लोग, मैं पकड़ता हूँ, कौन है यहाँ पर, कौन है? सदिका है, रंजीत है, पूजा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए रहे यहाँ पर, मैं सबका नाम भी नहीं ले सकता। ओके अक्षय है, ओके सो मैं अभी सदिका, सदिका मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस सदिका, देखो आज है ना 26 तारीख है, बरोबर? आज 26 तारीख है। सदिका मुझे ये बताने वाली है, सदिका आपने 18 तारीख को क्या किया था? अभी बाकी के बच्चे हंसेंगे। अभी सदिका 18 तारीख को क्या किया था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे बाप रे, सदिका का एक्सप्रेशन देख के मुझे लग रहा है कि सदिका को पता नहीं है। नहीं पता? चलो माइक ऑन करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं पता? नो सर। नो सर, अच्छा ठीक है। सदिका आपका बर्थडे तो आता है ना साल में एक बार? यस। ओके तो लास्ट ईयर के बर्थडे को क्या किया तो वो तो बता सकती है तू? यस सर। हाँ तो बताओ जरा, क्या किया था आपने बर्थडे के दिन? सर हम लोग फैमिली के साथ बाहर रेस्टोरेंट में गए थे। अरे वाह, रेस्टोरेंट में गए थे, कितने बजे गए थे? सर कुछ 7:30 के टाइम पे, मतलब एग्जैक्टली। ओके किसको किसको साथ में लेके गए थे? सिर्फ हम लोग की फैमिली। सिर्फ तुम लोग की फैमिली? कंजूस लोग है। सिर्फ तुम लोग की फैमिली, क्या खाया वहां पर? क्या खाया आपने वहां पर? ऐसे तो जाने नहीं वाले हो, क्या खाया? पनीर चिल्ली, चिकन चिल्ली। अरे वाह पनीर। स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोटिस किया क्या, मैं इधर का टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, इधर का कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ आपसे, क्या बातचीत नहीं कर रहा हूँ मैं। स्नेहा आपको समझा क्या हुआ अभी? यस स्नेहा समझ गई। अक्षय आपको समझा कि नहीं? मारूफ नहीं समझा आपको? ओके देखो स्नेहा जो है वो समझ गई, बाकी के लोग नहीं समझे, ठीक है चलेगा। देखो उसको 18 तारीख की कोई चीज याद नहीं है,
बट उसको लास्ट ईयर की सारी चीज याद है, और लास्ट ईयर की सारी चीज इतनी बाय हार्ड है उसकी कि मैंने अभी सदीका को पूछा, सदीका आपने क्या खाया था, सदीका ने ऐसा बोला क्या, सर सर दो मिनट में रिविजन कर रही हूँ सर, दो मिनट दो, किसके साथ गए थे आप, सर सर एक मिनट सर स्टार्टिंग वर्ड बोलो ना, एफ, हाँ सर फैमिली के साथ गई, ऐसा हुआ क्या, नहीं। सो सदीका को सारी चीजें क्यों याद है, क्यों याद है सदीका, आपने कुछ रिविजन किया था क्या मेरे लेक्चर होने से पहले, नहीं ना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर दू, आप लोग को टीचर टेकअप लेती है, सो आप लोग क्या बोलते हो, मिस मिस वन टाइम रिवीजन करने दो ना मिस, सो ऐसी सारी चीजें अभी छोड़ दो, ये सब चीजों छोड़ने के लिए मैं आया हूं ना यहां पर, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। ओके, सो टिल नाउ यू आर डूइंग सेम थिंग, यू आर गेटिंग सेम 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 रिजल्ट, सेम रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट का फायदा ही क्या, आप लोग आगे चल के डॉक्टर बनोगे, आगे चल के इंजीनियर बनोगे, तभी आप लोग ऐसा करोगे क्या, पेशेंट आया आपके सामने, पेशेंट आया, सर सर मेरे यहां पर दर्द हो रहा है सर, अरे मतलब तेरे को किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी तो मैंने ऑमिट रखा था सेकंड सेमेस्टर में, मैं पढ़ा नहीं था, ऐसा बोलोगे आप लोग, नहीं ना, नहीं तो पेशेंट को बोलेंगे रुको 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 सर एक मिनट रिवाइज करता हूं मैं, आता है मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करता हूं, ऐसा बोलोगे आप लोग, आप लोग इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बन गए, उधर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, कंस्ट्रक्शन होते होते बोलो अरे रुक 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 उसका मैं फॉर्मूला भूल गया था पुल्ली वाला, रुक रुक बताता हूं मैं कैलकुलेट करके, साइंस एक ऐसी चीज है जो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करनी चाहिए, इमीडिएटली आनी चाहिए, अदरवाइज साइंस का कुछ फायदा नहीं, आई बात समझ में। सो इसीलिए हम लोग है ना इस साइंस को एकदम डिफरेंट तरीके से करेंगे, ताकि हम लोग को सारी चीजें प्रॉपरली याद रहे और एंडिंग तक याद रहे, सिर्फ एग्जाम तक याद नहीं रहे, एग्जाम तक याद रखे क्या फायदा। ओके, सो प्रॉपरली याद रखेंगे, उसी हिसाब से हम लोग ने अभी क्या क्या किया, फर्स्ट फाइलम हम लोग ने किया, देखो यहां पर पोरीफेरा, निडेरिया, लैटी हेलमेटस, एस्के हेलमेटस, एनालिडिया, अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, किनोडर्मेटा, इमोक्रोडेटा, ये सारे लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते थे, इसके लिए आप लोग इनका नाम नहीं जानते थे, ठीक है, जिनका नाम आप नहीं जानते, प्रोटोजोआ ए बैक्टीरिया माइक्रोब्स, हम लोग ने बचपन में किया था ना आठवीं का फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशंस, हम लोग यहाँ पर एनिमल को करने वाले बच्चे लोग, हम लोग यहाँ पर कोई बैक्टीरिया या कोई चीज के बारे में नहीं पढ़ने वाले, हम लोग किंगडम एनिमिलिया पढ़ेंगे। ओके, सो एनिमिलिया स्टार्ट होता है यहां से, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटी हेलमेटस, एस्के हेलमेटस, एनालिडिया, अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इचिनोडर्मेटा, हीमोक्रोडेटा, और जैसे कि मैंने बताया था हीमोक्रोडेटा का मतलब क्या है, नोटोपॉड इज प्रेजेंट एट हेड रीजन, यूरोक्रोडेटा का मतलब क्या है, नोटोकॉड इज प्रेजेंट एट टेल रीजन, सफाइलोक्रोडेटा का मतलब क्या है, सफाइलोक्रोडेटा नोटोकॉड इज प्रेजेंट एट, यस वेयर नोटोकॉड इज प्रेजेंट एट थ्रू आउट दी बॉडी कैविटी, नोटोकॉड इज प्रेजेंट एट थ्रू आउट दी बॉडी कैविटी, एंड इनवर्टिब्रेटा क्या होता है, नोटोकॉड इज रिप्लेस विथ, रिप्लेस विथ वॉट, वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम, वेरी गुड एवरीवन। ओके, सो वर्टिबल कॉलम आएगा, और ये सारे लोगों को तो आप पहचानते ही हो, ये फर्स्ट वाला जो है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो मछलियां होती है उन लोग को जबड़ा नहीं होता, जॉलेस, उन लोग क्या होते हैं, जॉलेस, उन लोग कभी आपको दुकान में टूथब्रश खरीदते हुए नजर नहीं आएंगे, उन लोग को जॉ ही नहीं है। ओके, ये ऐसे बोलो मत किसी को, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद ये तो मछलियां पता है विद जॉ, फिशिस, फिशिस मतलब फिशेस, इसके बाद एम्फीबियन, एम्फीबियन तो सबको पता है जो पानी में रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं, यस यस फ्रॉग। ओके, उसके बाद रेप्टिलिया, रेप्टिलिया तो पता है आपको, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, एव्स, एव्स मतलब बर्ड्स, और मैमल, मैमल तो को आप जानते ही हो, सो ये पूरा का पूरा टेबल हम लोग को आ गया, तो यही टेबल पूरा चैप्टर है, यही टेबल पूरा चैप्टर है, आई बात समझ में।
चलिए हम लोग इस चैप्टर को एकदम अच्छी तरीके से करते हैं। और पेज नंबर को कौन कौन एब्सेंट था, तो आपने रेज योर हैंड किया था, कौन कौन है रेज योर हैंड जो पेज नंबर को एब्सेंट था, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स है रेज योर हैंड प्लीज। स्नेहा, सदीका, अक्षय, आर्यन, आयुषी, अरे बापरे बहुत सारे लोग है, अर्पिता, यस, अरे बापरे बहुत सारे लोग है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, दो मिनट में हम लोग कर देंगे, दो मिनट में हम लोग कर देंगे। यस पूजा ध्यान दो, यस सुमेश वेलकम, चलो 7 मिनट के अंदर हम लोग कर देंगे सारे के सारे पेज नंबर। अभी स्नेहा बोलेगी सर क्या हम लोग का टाइम पास कर रहे हो, पेज नंबर करके क्या फायदा है। तो आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि साइंस के अंदर क्वेश्चन कहां कहां से आता है, आपको अच्छे से पता है, कहीं से भी आता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्वेश्चन कहां से आया, मैंने तो साइंस का, और बच्चे लोग तो साइंस का पेपर देने के लिए ऐसा जाते हैं ना, ऐसा एकदम अरे मेरा सब हो गया, साइंस का पेपर आने दो, बुक बैक का क्वेश्चन पढ़ेंगे और जाएंगे पेपर देने, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फेस एक्सप्रेशन ऐसा होएगा कि बोलो मत। ओके, सो साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है उसके अंदर क्वेश्चन कहीं से भी डालते हैं लोग, तो आपको पूरी टेक्स्ट बुक करनी है। और अभी तो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, सो 10th स्टैंडर्ड में क्या आती है, पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक आती है कि नहीं। ओके, सो साइंस 1 की पूरी टेक्स्ट बुक आएगी, साइंस 2 की पूरी टेक्स्ट बुक आएगी। ओके, सो करंटली तो मैं साइंस 2 का सब आपको बता दूंगा और एंडिंग में मैं आपको साइंस 1 की टेक्स्ट बुक के बारे में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अरुण सर पढ़ा रहे हैं साइंस 1। तो देखो यहां पर मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी थी स्टार्टिंग में, सबको याद है, 1 मतलब नोज, 2 मतलब हैंड, 3 मतलब स्टंप, 3 मतलब ट्राइपॉड स्टैंड, 3 मतलब वॉच, 3 मतलब पंखा, आपको जो भी याद रखना है याद रखो, किसी भी नंबर को याद रखना है किसी भी चीज को याद रखो, 4 मतलब कार, 5 मतलब फिंगर, 6 मतलब सिक्सर, 7 मतलब रेनबो, धोनी, रोनाल्डो, आपका जो भी फेवरेट है, 8 मतलब ऑक्टोपस, स्पाइडर, प्लैनेट, 9 मतलब नवरात्रि, निशा विशा, कोई भी लड़की का नाम जिसका नाम एन से है, ऑक्टोपस। ओके, ये रहा आपका इंडेक्स, अरे बाप रे इंडेक्स तो बहुत ऊपर चला गया, ठीक है मैं इंडेक्स को ओपन करता हूं, इंडेक्स को ओपन करता हूं, आपको इंडेक्स दिख रहा है, यस दिख रहा है इंडेक्स। तो ये सारे चैप्टर का हम लोग पेज नंबर है ना रिकलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, आई बात समझ में। चलो चलो ठीक है, 77 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो, जितने भी अपने आप को जिसका माइक ऑन है, कौन है वो, कौन है देख लेता हूँ मैं जरा, यस हो गया म्यूट। देखो गलती से अगर आपका माइक ऑन हो जाता है तो आप अपने आप को, यस हो गया, ओके यार बीच में डिस्टर्बेंस मत करो यार स्टूडेंट्स, यस। तो क्या था हम लोग के स्टोरी के अंदर, हम लोग के स्टोरी के अंदर ये था कि वैभव सर आए थे सिखाने के लिए टाई पहन के, वैभव सर आए थे सिखाने के लिए टाई पहन के, सो टाई एक होती है, सो फर्स्ट चैप्टर ऑन पेज नंबर 1, फर्स्ट चैप्टर ऑन पेज नंबर 1, सिखाते सिखाते बहुत गर्मी हो गई, मैंने टाई को अपने हाथों से साइड में निकाल के रख दिया, घुटन से महसूस हो रही थी मुझे, समझ गया आप मैं क्या बोलना चाहता हूं, 1 मतलब टाई, हाथ मतलब 2, अरे वाह समझ गए सब लोग, समझ रहे मुंडी हिला रहे बहुत, ओके इसका मतलब है सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर इज ऑन पेज नंबर 12, अरे आप लोग को ये भी पता चलेगा कि पेज नंबर 12 पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मतलब 11 पेज नंबर पे क्या होगा उसका क्वेश्चन आंसर होगा, 10 पेज नंबर पे क्या होगा, इन शॉर्ट 10th स्टैंडर्ड के एंडिंग तक आपको पूरी साइंस 2 की बुक याद रहेगी। मैं मेवशी को पूछूंगा कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक कहां पर है, तो वो बोलेगी यहां पर है सर लाइन नंबर 10, टीचर बोलेगी क्या लड़की है रे कहां से याद किया, किस पागल ने तुझे सिखाया रे ऐसा, जुगाल आ गया है। ओके सो अभी मुझे बहुत बोर हुआ सिखाते सिखाते, इतनी गर्मी हो रही थी, मैंने अपने भाई को बुलाया, वो बाइक लेके आ गया, वो और उसका दोस्त दो बाइक लेके आ गए, इसका मतलब क्या है, टू व्हीलर, टू व्हीलर
पेज नंबर 22, पेज नंबर 22। अभी क्या हुआ, मैं सोचा कि क्या करूं, कहां पर जाऊं घूमने के लिए, सो मैं गया खेलने के लिए वानखेड़े स्टेडियम। ओके, सो वानखेड़े स्टेडियम में खेलने गया। अंपायर को तो आपको पता है, अंपायर को यहां से लेकर स्टंप तक का ही दिखता है, सो मैंने अपना स्टंप है ना बाउंड्री लाइन के आगे लगा दिया। बैटिंग कर रहा हूं ताकि बाउंड्री जाए तो बॉल लाने में दिक्कत ना, यार बहुत थकने होता है। तो बॉलर ने बॉल डाला, स्टंप को लग गया और सिक्स चला गया, स्टंप को लग गया और सिक्स चला गया, मतलब 36। अरे वाह, सब लोग तो हुशियार है, डायरेक्टली बोल रहे हैं 36। अभी सिक्स चला गया, अंपायर है ना मेरी तरफ ऐसे दिख रहे हैं, अंपायर ऐसे दिख रहे हैं, ये क्या हुआ, मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है, इसको आउट डू कि इसको सिक्स डू, क्योंकि नो बॉल डाला है। सो अंपायर बोला, भाई तू यहां पर कभी खेलने मत आ, मैं तुझे अपनी बीएमडब्ल्यू कार देता हूं, तू घर पे जा। सो अंपायर ने मुझे फ्री में बीएमडब्ल्यू कार दी, बहुत मजा आया मुझे। सो बीएमडब्ल्यू कार लेके मैं जा रहा था मरीन लाइन के यहां से, तो मुझे दिख गया रेनबो, मुझे दिख गया रेनबो। अरे वाह, रेनबो तो सात कलर का होता है, सबको पता है, 47 याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? यस, 47, पांचवा चैप्टर 47। गाड़ी लेके आगे बढ़ रहा हूं मैं स्नेहा, गाड़ी लेके आगे बढ़ रहा हूं, किसी ने सिक्स मारा, मेरी गाड़ी की एक हेडलाइट ही तोड़ दिया। दिशा, गाड़ी की एक हेडलाइट ही तोड़ गई। श्रुति, श्री समझ रहा कि नहीं तू? हाँ, ओके, किसी ने सिक्स मारा, गाड़ी की एक हेडलाइट टूट गई, सिक्स मारा, गाड़ी की एक हेडलाइट टूट गई, 61। मुझे बहुत गुस्सा आया, फ्री की गाड़ी अभी अभी मिली है, मैं घर पे बताने के लिए लेके भी नहीं गया, रिवर्स टर्न मारा, वापिस से गया सिमरन में, वापिस से गया तो क्या हुआ, सब लोग खिल्ला रहे थे, धोनी। आप नसीबी कितना अच्छा, देखो सेवन चैप्टर 77 वैष्णवी, सेवन चैप्टर 77। मैं बोला क्या चालू है, सब लोग इतना बड़ा चिल्ला रहे, क्या प्रॉब्लम क्या इन लोग की? सो इन लोग की प्रॉब्लम ये थी कि आईपीएल चालू था, ऑक्टोपस जैसी दिखने वाली ट्रॉफी थी, और इस ट्रॉफी के लिए 8 टीम फाइट कर रहे थे, इसका मतलब है 8888। वेरी गुड, एमएस धोनी बैटिंग कर रहा है, हम लोग उसको देख के वाओ, देखना ही चाहिए, इतने सारे वर्ल्ड कप जीता है उसने, क्या बैटिंग कर रहा था यार, 101 रन मारे उसने, वर्गनी फाड़ते ना हम लोग वैसा, 101 रन मारे। 9 चैप्टर पेज नंबर 101। ओके, पूरी टीम ने कुछ काम नहीं किया वैसे तो, पूरी टीम ने 109 रन बनाए। ओके, समझ रहे हो आपने क्या क्या किया, जरा रिकलेक्ट करते हैं। 1, वैभव सर आए थे सिखाने, चलो आप लोग लिपसिंग कर सकते हो, माइक ऑन मत करो, सब लोग माइक ऑन करोगे तो ऐसा तूफान आने जैसा आवाज आएगा ना यहाँ पर, ठीक है, लिपसिंग कर सकते हो, मैं आप सबको देख पा रहा हूं, यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाया हूं मैंने, ठीक है। सो यहाँ पर पेज नंबर 1 सेकेंड चैप्टर टाइम हाथ से निकाल के साइड में रख दिया, 12। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो लिख भी रहे, वेरी गुड, चैट बॉक्स में लिख रहे, 1 and 2। माइक बंद कर, लेक्चर में हम लोग को पता है रे। अरे नहीं, बाद में तो जर उसको बिचारे पता नहीं कि जूम का ऑडियो ऑफ करना है, फोन पे बात कर रहा है। यहाँ पर 1 and 2 है, उसके बाद क्या हुआ, बाइक लेके आया, 2 and 2, वेरी गुड। अरे बाप रे, देख सर्वे सब लोग मैसेज भेज रहे मुझे, 2 2, वेरी गुड तनिष्का, सुशांत, हर्षावी, सबको पता है रे आंसर, 2 2, थर्ड चैप्टर 2 2। इसके बाद क्या हुआ, स्टंप को बॉल लग के 6, अरे बाप रे आंसर ही आ रहे, 36। यस, सब लोग हुशियार है यार तुम लोग, 36, स्टंप को बॉल लग के 6 चला गया। अभी क्या हुआ, स्टंप को बॉल लग के 6 चला गया, अंपायर बहुत परेशान हो गया, मुझे 4-wheeler गिफ्ट दिया, आप बाहर जाके देखता हूं तो, अरे वाह, अर्पिता, रंजीत, अरे सबने आंसर दे दिया, 47, किसी ने 6 मारा और गाड़ी के ऊपर गिर गया और गाड़ी की एक हेडलाइट टूट गई, 61, क्या है स्नेहा, 61।
ओके काजल, 61 के बाद क्या हुआ? कौन बैटिंग कर रहा था वहां पर? कौन बैटिंग कर रहा था? अमन, अमन कहां चला गया? अमन, यस अमन, 77. सब लोग धोनी धोनी लिख रहे हैं, धोनी मत लिखो, 77 लिखो, 77. आपका नसीब भी इतना अच्छा है ना, सातवां चैप्टर 77 पेज नंबर. हमेशा आपको चैप्टर ओपन करने के लिए इंडेक्स देखने की जरूरत पड़ती है. अभी आप लोग बोर्ड एग्जाम को लास्ट मिनट रिवीजन भी ऐसे ऐसे करोगे. ओके, 77 के बाद क्या है? सब लोग लिख भी रहे. 88 के बाद क्या है? 101. वाओ, ओके. उसके बाद 109. स्मार्ट लोग है तुम लोग. पेज को ही एग्जिट मार लेता हूं मैं. ओके, तो सारे के सारे चैप्टर के पेज नंबर याद हो गए. अभी हम लोग को देखना है सिक्स चैप्टर. सब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर बहुत चैप्टर टफ है, तो सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं चैप्टर टफ है, तो हम लोग टफ चीजें पहले स्टार्ट करते हैं. क्योंकि आपको मैंने बता दिया था कि सिंपल एंड टफ नाम की चीज होती नहीं है. अगर सिमरन को कोई चीज आती है तो सिमरन बोलेगी इजी है, सिमरन को कोई चीज नहीं आती सिमरन बोलेगी टफ है. ओके, अगर आपको आता है तो इजी, नहीं आता है तो डिफिकल्ट है. वाओ, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. हम लोग अपने पीपीटी की तरफ